टावर लाइन शोषित किसानों की लड़ाई को अब राष्ट्रीय स्तर पर लड़ा जाएगा। ये बात भारतीय किसान यूनियन के महासचिव युद्धवीर सिंह ने जुखाला में बैठे किसानों के अनशन में शिरकत करते हुए कही। इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष अधिवक्ता भगत सिंह वर्मा ने कहा कि बड़े घराने के लोग गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं हिमाचल किसान सभा के महासचिव व पूर्व विधायक के कौशल ने इस अनशन को अपना समर्थन दिया। इसके अलावा श्री नैना देवी जी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि वह शुरू से ही किसानों के साथ है। उन्होंने कई बार इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया है और आगे भी उठाएंगे। का ह्यूमन लाइफ पे और सॉइल पे, खेती पे, तमाम चीजों पे इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं। सरकार इसको जानबूझ के नजरअंदाज कर रही है। जो अंबानी और अडानी जिनका बार बार आज लेकर लड़ाई चल रही है, ये उन्हीं ग्रुप्स की ये कारस्तानियां हैं जिन्होंने यहाँ पे लाइनें डाल के और किसानों के उनकी जमीन पे जबरन कब्जा कर रखा है, जबरन ये ट्रांसमिशन लाइन निकाली है, उनको समर्थन देने के लिए और उनको ये आश्वासन देने के लिए कि इसको हम राष्ट्रीय स्तर की एक लड़ाई बनाएंगे, उनके साथ हैं। जहाँ भी उनको हमारी आवश्यकता पड़ेगी उनके साथ मिलके लड़ेंगे, उनकी मदद करेंगे, केंद्र सरकार तक, दिल्ली सरकार तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे। और दूसरा मकसद हमारा आने का ये है कि दिल्ली में जो धरना लगातार चल रहा, उस धरने में यहाँ के किसान भी भागीदारी सुनिश्चित करें, क्योंकि बार बार केंद्र सरकार कह रही है कि धरना कुछ स्टेटों का है, पूरा देश साथ नहीं है। तो हिमाचल में भी खेती और किसानी पे ही ज्यादातर लोग जिंदा रहते हैं। उज्ज्वल हिमाचल के लिए बिलासपुर से सुरेंद्र जम्बाल की रिपोर्ट।